Bismillahirrahmanirrahim. Tahir Azam here, and uh, we are going to start pharmaceutical calculations. Let's have a brief introduction of uh, all my videos on that are going to be on pharmaceutical calculations. First video will consist of uh, basic dilutions, percentage uh, concentrations. परसेंटेज वेट बाई वेट वेट बाई वॉल्यूम इन द बेसिक मैथड टू सॉल्व ऑल द कैलकुलेशन दैट इज यूनिटरी मैथड यानी यूनिटरी मैथड जो है वो मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस पर अप्लाई होता है यानि yani वो बेसिक चीज है हर कैलकुलेशन की तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा वह कॉन्सिस्ट होगा एलिगेशन मैथड पर अब जो एलिगेशन मैथड है समटाइम हमें कैलकुलेशन देखकर लग रहा होता है कि यहाँ पर यूनिटरी मैथड ही अप्लाई होना लाइक like, इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा सिम्पल ठीक है सो so, लेकिन वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा हो यूनिटरी मेथड तो उसके लिए फिर हमें एलिगेशन मेथड पर जाना पड़ता है जिसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे और उसके साथ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी क्यों ज़रूरी है बिकॉज सम टाइम हमारे पास क्वेश्चन में जैसे एच है तो उसके केजेस फॉर एक्जाम्पल हमें गिवन है कि इतने के है एच तो हमारे पास तो एच uh, सी में अवेलेबल नहीं होता है तो फिर उसके लिए हमें उसके वॉल्यूम पर मूव करना पड़ता है तो फिर हमें मैथ से वॉल्यूम में कन्वर्जन के लिए डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे Then हम देखेंगे मोल्स मोलैरिटी एंड मोलेलिटी को नॉर्मेलिटी और इक्वलेंस वेट को पार्ट फाइव में हमारा होगा ऑसमोलेलिटी एंड ऑसमोलेरिटी एंड मिली ऑस्मोल्स एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डोज कैलकुलेशंस बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी इंडेक्स की बेस पर किस तरह से हम डोज को कैलकुलेट करते हैं उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि बहुत ही ईजी से मैथड्स एंड डोज कैलकुलेशन के मेरी वीडियो के तीन पार्ट होंगे पहले पार्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी टिप्स बताऊंगी कि आप किस तरह से कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो बेसिक डेफिनेशन भी हो सकती है उसमें सेकेंड पार्ट में हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी कि आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके एनालाइज कर लें कि आपको किस हद तक समझ आ गई है रिलेटेड टू तो द वीडियो मतलब जितना मैंने वीडियो में समझाया होगा उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको दूंगी ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपको वीडियो कितनी समझ आई है ठीक है तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी किस्म का को कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप लोग तो मुझे मेल कर सकते हैं एट ताहिरा आजम फाइव वन टू वन थ्री एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम ठीक है जी आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स पहला टिप है जी आपका कि हमेशा आपने स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है ठीक है ऐसे नहीं करना कि बस क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने की करो स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ के ऑलवेज काउंटर चेक योर आंसर्स ठीक है आंसर्स को आपने काउंटर चेक लाजमी करना है कि आइदर जो आपने आंसर निकाला है वो आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर भी रहा है या नहीं कर रहा है या आंसर अगर कर भी रहा है तो आप उसको बैक कैलकुलेशन कर सकते हो टू फाइंड कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक तो काउंटर चेक लाजमी करना है आपने यूनिट कन्वैन देखेंगे सबसे पहले यूनिटरी रूल देखेंगे परसेंटेज को देखेंगे कि परसेंटेज को किस तरह से हम मास में या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली द वाइस वर्सा इसके बाद परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से वेट बाई वेट वेट बाई वॉल्यूम वॉलीम बाई वॉल्यूम देन एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर आखिर में मैं आपको थोड़े से सवाल दूंगी जिससे आप अपना एनालिसिस करोगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट कर यूनिट कर्न आपको पता होगा आपने कुछ ना कुछ इसकी कोई ना कोई निशानी रखी होगी कि इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि के को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए क्या करोगे और छोटे से बड़े यूनिट के लिए जाने, जाने के लिए क्या करोगे बिकॉज इट इज़ लिटल बिट कन्फ्यूजिंग समटाइम्स सो इसके लिए आपने दो बातें याद रखनी है पहली बात ये कि मल्टीप्लिकेशन से हमें पता है वैल्यू इंक्रीज़ होती है और डिवीजन से हमें पता है वैल्यू कम हो जाती है ऐसे ही है दूसरी बात हमें है जी जितना स्मॉलर यूनिट होता है उतनी उसकी बड़ी वैल्यू होती है और जितना बड़ा यूनिट होता है उतनी उसकी छोटी वैल्यू होती है जिस तरह से अगर हमारे पास एक किलो आ, कोई भी चीज़ है एक के जी फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटोज़ हैं लेट्स टेक अ सिंपल कॉमन एग्ज़ाम्पल तो वज़न उनका एक के जी है लेकिन वो हज़ार ग्राम भी हैं यानी उतने ही आलू उनका जो वज़न है वो एक के जी भी है हज़ार ग्राम भी है सो यहाँ पर दोनों वैल्यूज भी फर्क है दोनों यूनिट भी फर्क है तो जो हमारे पास बड़ा यूनिट था उसके साथ छोटी वैल्यू आयानी के जी बड़ा यूनिट था उसके साथ वन आया लेकिन ग्राम छोटा यूनिट था उसके साथ थाउजेंड आया तो जब भी आपके पास छोटा यूनिट होगा उसके साथ वैल्यू बड़ी होती है और बड़े यूनिट के साथ छोटी वैल्यू होती है सो जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर चोटी हो चोटी हो जाना है तो so, हमें पता है छोटे यूनिट के साथ बड़ी वैल्यू होती है और बड़ी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन से आती है तो जितने टाइम्स वो बड़ा यूनिट है उतने टाइम्स आप जितने टाइम्स वो बड़ा यूनिट है आप उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है और इसी तरह से स्मॉलर टू लार्जर में जाने के लिए आप उस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे जितने टाइम्स उन दोनों का डिफरेंस है ठीक है ये छोटी सी टिप थी अगर आपने अपने तरीके से याद किया हुआ है वेल एंड गुड उसी पे रहें लेकिन अगर आप कंफ्यूजिंग है तो ये टिप इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज यूनिट्री मेथड की बेसिक एग्जांपल्स बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे uh, ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम फार्मास्यूटिकल पर जाएंगे अगर आपको इसका बेसिक मैथड पता है तो आप वीडियो का ये पार्ट स्किप कर सकते हैं ओके, द कॉस्ट ऑफ नाइन चॉकलेट्स इज फोर्टी फाइव रुपीज फाइंड दॉकलेट्स फोर्टी फाइव रुपीज आपको कॉस्ट दे दिया गया है नाइन चॉकलेट्स का और आपने फाइंड करना है ट्वेल्व चॉकलेट्स का कॉस्ट ठीक हो गया अब सबसे पहले कैलकुलेशन करने में सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि जिस चीज को आपने फाइंड करना है वो आप इक्वल के बाद लिखोगे यानी आपने यहां पर कॉस्ट फाइंड करना है ना आपने रुपीज फाइंड करने हैं। तो रुपीज़ को आपने इक्वल के बाद लिखा है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप लोग गलती करते हो ना कैलकुलेशन में तो आप लोग इसी पॉइंट पर करते हो कि आपने जी रुपीज़ इस साइड पर लिख दी कैलकुलेशन चॉकलेट्स इस साइड पर लिख दी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी पूरी की पूरी ठीक हो गया तो so इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको आपने इक्वल के बाद लिखना है जो चीज़ आपके पास जिस तरह से नाइन और ट्वेल्व चॉकलेट्स गिवन है उसको आपने इक्वल से पहले लिख दिया पहली बात दूसरी बात यह है कि इक्वल का साइन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरो को यूज़ करने की बजाय या कोई कोमा या कोई कंटेन या इन यूज़ करने के बजाय फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में भी आप इक्वल का इस्तेमाल करें ठीक है इससे क्लैरिटी आएगी आपकी कैलकुलेशन आपको पता होगा आप कर क्या रहे हो उसके बाद उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपने जाना है नाइन्थ से ट्वेल्थ चॉकलेट के पैसों पे ठीक है नाइन्थ से ट्वेल्थ पर जाने से पहले आप लाजमी वन पर जाओ यानी नाइन से वन पर जाओगे तो आप क्या करोगे नाइन से डिवाइड कर दोगे आपको पता होगा कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफ़िक फ़ॉर एग्जांपल फाइव पेंसिल्स की कीमत पता है तो एक की फ़ाइन करनी है तो आप उस वैल्यू से डिवाइड करते हो लेकिन अगर एक की पता है आपने ज़्यादा की फ़ाइन करनी है तो आप मल्टीप्लाई करते हो ये बात आपको पता होगी यकीन सो तो अगर आप नाइन से ट्वेल्थ पर जा रहे हो या आप किसी भी यूनिट से किसी भी वन के अलावा किसी भी वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू पर जा रहे हो जैसे आप ट्वें टेन से आपने फ़ाइव पर जाना है तो हमेशा आपने क्या करना है आपने पहले वन पर जाना है वन पर जाने के बाद आपने अगली वैल्यू पर जाना है ठीक है डायरेक्ट नाइन्थ से ट्वेल्थ पे करने की कोशिश करोगे तो गलती के चांसेस हैं इसीलिए कह रही हूँ कि पहले वन पर जाओ फिर ट्वेल्थ पर जाओ तो यहाँ पर उन्होंने किया क्या हुआ है यहाँ पर उन्होंने नाइन चॉकलेट्स की फोर्टी फाइव है पहले वाइन वन की फाइंड की यहाँ पर आप कंसिडर कर लो कि वन मल्टीप्लाई हो रहा है नाइन से तो नाइन दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से खत्म हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गए तो हमारे पास आ गई वन चॉकलेट की कीमत फाइव रुपीज़ देन हमने ट्वेल्थ की फाइन करनी है तो आप कंसिडर कर लो यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी आप ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिक्सटी ठीक हो गया ये हो गया बेसिक यूनिट्री मैथड जो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा पता है बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो आप पता लग गया बिकॉज यही हमारी बेसिक है सारी कैलकुलेशंस की यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक हो गया यहाँ यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू है अगेन इसमें भी वही चीज़ है एट और कितना कवर कर रहा है फाइव सिक्सटी ट्वेल्व और में कितना कवर करेगा अब अगेन फाइंड क्या करना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस इक्वल के बाद आएगा ठीक है और जो हमारे पास गिवन है एट है तो वो हमने पहले लिख किया अब एट से पहले वन पर जाएंगे कैसे एट से डिवाइड करके फिर वन से ट्वेल्व पर जाएंगे कैसे ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके ठीक हो गया सो so, ये हो गया हमारे पास यूनिट्री मैथड अब हम चलते हैं अपनी फॉमस कैलकुलेशन पे एक एग्जाम्पल उसकी भी कर लेते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट शुड बी यूज इन कंपाउंडिंग द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है जी प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास पोटेशियम पर मैगनेट है फोर एम जी ट्वेंटी एम एल में प्योरीफाइड वाटर जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है वो है टू फिफ्टी एम एल हमने फाइंड करने हैं पोटेशियम पर मैगनेट के ग्राम्स कितने आएंगे इस प्रिस्क्रिप्शन को जब आप सॉल्व करोगे प्रिस्क्रिप्शन आपको कह रही है कि ट्वेंटी एमएल में आपका कितना पोटेशियम है 250. तो टू फिफ्टी एम एल में कितना पोटेशियम पर होगा बिल्कुल एग्जैक्टली यूनिटरी मैथड अप्लाई होना है कैसे होना है इसको भी देख लेते हैं आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा ये देखिए जरा ट्वेंटी एम में कितने हैं फोर अब मैंने फोर को इधर लिखा है ट्वेंटी को इधर लिखा है रीज़न क्योंकि हमने असल में पोटेशियम पर मैगनेट की अमाउंट फाइंड करनी है उसके ग्राम्स फाइंड करने हैं इसलिए जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको मैंने इक्वल के बाद लिखा है सही हो गया मैंने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ था कि आपने क्या करना है ग्राम्स में फाइंड करना है ये हो गया देन अब मैं ट्वेंटी से डायरेक्ट टू फिफ्टी पर नहीं गई बिकॉज हमारे पास टोटल तो वॉल्यूम है टू फिफ्टी है टू फिफ्टी के लिए हमने फाइंड करना है मैं डायरेक्ट नहीं गई पहले वन पर जाओगे आप वन पर जाने के लिए क्या करोगे वन पर जाने के लिए आप क्या करोगे कि ट्वेंटी को इधर लाकर डिवाइड कर दोगे ट्वेंटी को डिवाइड कर दी आपके पास आ गया वन एम के लिए अब वन एम से जब आपने जाना है टोटल पे जो टू फिफ्टी है तो आपने सिंपल क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है टू फिफ्टी से जिस तरह से यहां पर किया होगा हमने टू फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव ग्रामीण जब आप उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करोगे उस पर आ, उसकी बेस पर आप जब बनाओगे सोलूशन को तो उसमें जो पोटेशियम परमाग्रनेट होगा वो कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव ग्राम्स तो यूनिटरी मैथड के जरिए हमने एक एग्जाम्पल भी देख ली नेक्स्ट हम आते हैं परसेंटेज पे परसेंटेज यूनिट यूनिट टू परसेंटेज हमें पता है जी परसेंटेज को कन्वर्ट करना जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमने परसेंटेज का यूनिट खत्म करना होता है तो हम हंड्रेड से डिवाइड करते हैं इतनी बात आपको पता होगी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ लिक्वेड फिनोल शूड भी यूज इन कमार्डिंग द फॉइंग प्रेस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन हमें कह रही है कि लिक्विफाइड फिनोल के मिली लीटर्स आपने फाइंड करने हैं ठीक है फाइंड क्या करना है लिक्इड फिनोल तो इक्वल के बाद हम लिक्वेड फिनो की अमाउंट को लिखेंगे सो लिक्वेड फिनोल हमारे पास टू पॉइंट फाइव परसेंट है और कैलामिन लोशन जो है जो हमने एड इसका वॉल्यूम मेकअप करना है आप टू टू फोर्टी एम एल तो टोटल so, जो हमारे पास वॉल्यूम है वो टू फोर्टी है और हमारे पास टू पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो लिक्विफाइड फिनोल है सबसे पहले हम लिख देंगे टू पॉइंट परसेंट का मतलब क्या है 2.5 परसेंट का मतलब ये है कि 2.5 पॉइंट फाइव इन हंड्रेड एम एल हमने कंसिडर कर लिया फ्रॉम द क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन को अगर आप और से देखो तो उसमें हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है सो हंड्रेड एम में 2.5 पॉइंट है अब मैंने 2.5 पॉइंट को इक्वल के बाद क्यों लिखा बिकॉज हमने असल में लिक्विफाइड फिनॉल की ही अमाउंट को फाइंड करना है उसके एम को फाइंड करना है ये कर लिया हमने अब 100 ml से पहले 1 ml पे जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.025 पॉइंट जीरो टू फाइव एम एल बिकॉज हमने हंड्रेड को दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर दिया अगली बात हमने क्या करनी है हमने फोर्टी एम एल के लिए फाइन करना है बिकॉज हमारे पास तो टोटल वॉल्यूम है टू फोर्टी है यानी सिंपल आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हंड्रेड एम एल में टू पॉइंट फाइव एम एल है तो टू फोर्टी एम एल में कितना होगा तो हंड्रेड एम एल से पहले वन एम एल जाओगे वन एम एल सेन टू फोर्टी पे जाओगे और टू फोर्टी जाकर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टू फोर्टी से तो आपके पास आंसर क्या सिक्स एम एल यानी टू फोर्टी एम एल में लिक्विफाइड फिनॉल के सिक्स एम आएंगे जबकि हंड्रेड एम में हमारे पास टू पॉइंट फाइव एम एल थे जो कि क्वेश्चन में गिवन था सही हो गया तो अगेन जून मैथड भी अप्लाई हो गया और परसेंटेज कन्वेयन भी हो गई परसेंटेज का सिंपल मतलब ये है कि दैट इज इन हंड्रेड वेट है तो हंड्रेड ग्राम्स में होगा और अगर वॉल्यूम है तो वो हंड्रेड एम में होगा कन्वेयन अगेन सिंपल यहाँ पर आपने परसेंटेज करें जैसे हम बचपन में करते हैं मार्क्स मार्क्स टोटल हंड्रेड यहाँ पर भी वैसे ही है टोटल आपके पास है फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम्स एक्टिव है आपके पास सेवेंटी फाइव ग्राम सिम्पल आपने क्या करना है 75 फाइव ग्राम फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम से सेवेंटी फाइव ग्राम्स में वन ग्राम में हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव ग्राम यूनिट्री मैथड ही अप्लाई किया हुआ है मैंने और हंड्रेड ग्राम्स के लिए आपके पास आ गया फाइव ग्राम यानी सिंपल क्या किया आपने फिफ्टीन ग्राम्स में सेवेंटी फाइव था वन ग्राम के लिए फाइंड कर लिया तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव आ गया वन ग्राम के लिए फाइंड कर लेंगे फिफ्टी हंड्रेड को दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर देंगे और अगर हमने वन ग्राम से हंड्रेड ग्राम पर जाना है तो हम उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया हंड में फाइव ग्राम तो हंड्रेड में फाइव ग्राम का मतलब फाइव परसेंट वेट बाय वेट ओके जी तो ये हो गई हमारी एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है जी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन वेट इन वॉल्यूम का मतलब है ग्राम्स इन हंड्रेड एम एल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है एम एल्ज इन हंड्रेड एम एल और वेट इन वेट का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इन हंड्रेड ग्राम ठीक है यह या आपने याद रखना है अच्छा अगर आपको परसेंटेज के साथ ये नहीं बताया हुआ कि वो वेट बाई वेट है वॉलीम बाई वॉल्यूम है वॉलीम बाई वेट है अगर नहीं बताया हुआ तो उसके लिए आप कंसिडर करोगे उसकी स्टेटमेंट uh, को और अगर वो सोलूशन है या सस्पेंशन है जो कि सॉलिड इन लिक्विड है तो फिर आप उसको कंसिडर करोगे जो मर्सेंटेज हमारे पास गिवन है वो वेट इन वॉल्यूम है अब आपको परसेंटेज के साथ बताया नहीं होगा कौन सी है तो आप खुद से अज्यूम करोगे इसी तरह से अगर वो लिक्विड इन लिक्विड है तो आप कंसिडर करोगे वॉल्यूम इन वॉल्यूम अगर वो सॉलिड्स हैं सेमी सॉलिड हैं तो वेट इन वेट, वेट कंसिडर करोगे और अगर वो गैसेज हैं तो आप उसको वेट इन वॉल्यूम कंसिडर करोगे गैस इन लिक्विड है तो ठीक है तो इस तरह से अगर आपको परसेंटेज के साथ यूनिट नहीं गिवन है वेट इन वेट या वॉल्यूम इन वॉल्यूम ईटी सी तो आप उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट ठीक हो गया एग्जांपल्स देख लेते हैं जी कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी लेट्स मूव टू माई नोट्स ओके जी मिस्टर पी इज करंटली टेकिंग न्यूकोजल सस्पेंशन एट अ डेली डोज ऑफ ट्वेंटी एम एल थ्री टाइम्स डेली ट्वेंटी एम एल वो ले रहा है थ्री टाइम्स डेली और उसने दस दिनों तक ली है और उसकी जो ट्वेंटी एम एल डोज थी उसमें एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना है टू ट्वेंटी एम जी पर फाइव एम एल कितना एलूनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है देखिए उसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे इसी को पकड़ना है आपने अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को समझो पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद उसको सोल्यून पे जाओ ड्राइड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है कितने हैं कितनी उसकी कंसल्ट्रेशन टू ट्वेंटी एम जी पर फाइव फाइव एमएल में वो टू ट्वेंटी एम जी है हमने फाइंड करना है ट्वेंटी एमएल में वो कितना होगा सिंपल फाइव एम एल में टू ट्वेंटी एम जी है तो ट्वेंटी एम एल में कितना होगा यूनिटरी मैथड अप्लाई करो फाइव एम एल में टू ट्वेंटी एम जी है पहले वन एम एल के लिए फाइंड कर लो फिर ट्वेंटी एम एल के लिए फाइंड कर लो जो आंसर आएगा वो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे देन टेन से मल्टीप्लाई करोगे क्यों क्योंकि थ्री टाइम्स है डेली और टेन डेज के लिए लिया है उसने तो थ्री टाइम्स डेली टेन डेज़ के लिए थर्टी बनता है तो आप थर्टी भी लिख सकते हो डायरेक्ट या आप थ्री इंटू टेन भी लिख सकते हो सही हो गया अब तो इस तरह से आपका जो है ना वो ख्याली तौर पर आपकी जो है वो सॉल्व हो गई अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया हुआ है गिवन है हमारे पास फाइव एम में टू ट्वेंटी एम जी अब मैंने टू ट्वेंटी एम जी को इस साइड पे क्यों लिखा है इक्वल के इस साइड पे टू ट्वेंटी एम जी को क्यों लिखा है बिकॉज हमने असल में जो डाइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी अमाउंट को फाइंड करना है इसलिए मैंने इक्वल के इस साइड पर लिखा उसे वन एम के लिए आ गई फोर्टी फोर एम जी ट्वेंटी एम के लिए आ गई एट एटी एम जी तो ये एक डोज जो म्यूको जेल की थी उसमें एट एटी एम जी प्रेजेंट है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड अब हमने फाइंड करनी है थ्री टाइम्स फॉर टेन डेज के लिए तो उसको थ्री समर्टी कर दो टेन से पिया कर दो तो आपके पास आ जाएगा थ्री समय करिए टेन सम्लिपिया कर दिए या आप थर्टी से प्या कर सकते हो बिकॉज टेन डेज के लिए थ्री टाइम्स लिए तो वो थर्टी ही बनता है जी तो ये आप तो ये आपके पास आ जाएगा जी टू सिक्स फोर डबल जीरो मिलेग्राम जिसको आप ग्राम्स में लिखोगे तो दैट इज द मोर कंसिडरेबल हेयर यह आपकी एक हो गया एग्जाम्पल विश ऑफ द फॉलिंग इज द अमाउंट ऑफ द्वेंटीट वेट बाई विध बेंजो के टू बी एडेड टू अ डायलो एंड ऑइंटमेंट टू प्रिपेयर फाइव के जी ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट वेट बाई विध बेंजो के अनुट अच्छा अब इसमें आपने स्टेटमेंट को समझना है क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आपके पास टू ट्वेंटी बेंजो के अनमेंट अवेलेबल है इससे आपने बनानी है क्या 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट वेट बाई वेट बेंसुकेटमेंट यानी आपने 20 परसेंट से 2.5 परसेंट बनानी है कितनी बनानी है 5 के जी बनानी है तो उसके लिए ये कितनी चाहिए होगी ये आपने फाइंड करना है कि 2.5 परसेंट बनानी है 5 के जी बनानी है उसके लिए 20 परसेंट कितनी चाहिए होगी ये आपका क्वेश्चन है अब इसको आप सिंपल यूनिटरी मेथड पे जाओ मेथड पे जाने के बाद सबसे पहले देखो कि इसमें कितनी एक एक्टिव कितना चाहिए सॉरी फॉर दिस ओके सो आप सबसे पहले देखोगे कि इसके लिए एक्टिव कितना चाहिए यानी टू पॉइंट फाइव परसेंट वेट बाई वेट जो है फाइव के जी उसके लिए एक्टिव कितना चाहिए वो एक्टिव फाइंड करोगे फिर आप देखोगे कि वो एक्टिव इसके कितने वेट में प्रेजेंट है सही हो गया तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे गिवन है आपके पास ये आप अपने माइंड में रखना है कि जो अवेलेबल है वो ट्वेंटी परसेंट है प्रिपेयर करना है टू पॉइंट फाइव परसेंट कितना प्रिपेयर करना है फाइव के जी प्रिपेयर करना है सो so, सबसे पहले कैल्कुलेट करेंगे कि हमें जो हमने बनाना है उसके लिए एक्टिव कितना चाहिए चूंकि एक्टिव हमने फाइंड करना है उसको हमने इक्वल के बाद लिखा के जीज में है हमारे पास तो हम अपनी जो ऑइंटमेंट का है हंड्रेड ग्राम उसको भी के में कन्वर्ट कर लेंगे जीरो पॉइंट लिख दिया वन के जी के लिए फाइंड कर लिया देन फाइव के जी के लिए फाइंड करने के लिए फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तुम्हारे पास आ गया वन ट्वेंटी फाइव ग्राम इसका मतलब यह है कि ये बनाने के लिए इतनी परसेंट का फाइव के जी बनाने के लिए जो हमें एक्टिव बेंजोकेन चाहिए वो हमें चाहिए वन ट्वेंटी फाइव ग्राम अब हम देखेंगे कि इसके कितने वेट में वन ट्वेंटी फाइव ग्राम आएगा यानी ये ट्वेंटी परसेंट है इसका मतलब है ये ट्वेंटी परसेंट है इसका मतलब क्या है कि ट्वेंटी है हंड्रेड में अगर ट्वेंटी है हंड्रेड में तो वन ट्वेंटी फाइव के लिए कितना होगा वन पहले आप वन पे जाओगे वन पे जाने के लिए ट्वेंटी से डिवाइड कर दोगे वन ग्राम में फाइव ग्राम आ गया तो वन ट्वेंटी फाइव ग्राम जो है वो उसके सिक्स टू फाइव ग्राम्स में प्रेजेंट होगा ठीक है तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है आपने सिक्स टू फाइव ग्राम्स लेने हैं इसके ट्वेंटी परसेंट वेट बाई वेट जो आपने फाइंड कर लिया सिक्स टू फाइव ग्राम्स वो लेने हैं और उसको आपने डाइल्यूट कर देना है अप टू फाइव के जी उसको डाइल्यूट कर दोगे अप टू अपी विद द डायंट तो अल्टीमेटली तो जो आपके पास अपॉइंटमेंट बनेगी उसकी परसेंटेज होगी टू पॉइंट फाइव परसेंट बेट बाई वेट क्लियर हो गया एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि बहुत आसान है उसके लिए आपने क्या करना है आपने करना है जी सी वन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू सी टू डब्ल्यू टू इसको आपने ये भी पढ़ा होगा एम वन बी वन इज इक्वल टू एम टू बी टू तो वो एम जो है वहां पर मोलैरिटी के लिए लेकिन यहां पर मैंने सी लिखा कॉन्सेंट्रेशन के लिए ठीक है ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं है और ना ही ये हर जगह अप्लाई होता है लेकिन यहां पर ये अप्लाई क्यों हो रहा है बिकॉज हमें दोनों चीज़ें परसेंटेज में गिवन है और दोनों जगह पर हमने मतलब वेट गिवन और वेट फाइंड करना है तो हमने क्या किया हमने कंसिडर कर लिया वन को अवेलेबल और टू को कंसिडर कर लिया जो हमने प्रिपेयर करना है यानी ये हमारा टू है ये हमारा वन है तो जो अवेलेबल है वो ट्वेंटी परसेंट है परसेंट हम नहीं लिख रहे बिकॉज दोनों चीज़ें परसेंटेज में आप हंड्रेड से डिवाइड करोगे हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा परसेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज दोनों के सेम यूनिट सेम है वेट जो इसका वेट है वो हमने फाइंड करना है जो प्रिपेयर करना है वो टू है टू लिख दिया फाइव किलोग्राम है तो हमने फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड ग्राम लिख दिया क्यों क्योंकि हमें आंसर भी ग्राम में चाहिए तो हम उसको ग्राम में लिख देंगे अगर हमें आंसर केजी में चाहिए तो हम इसको केजी में भी रहने देंगे कोई मसला नहीं है वेट फाइंड कर लिया वो हमारे पास आ गया सिक्स ट्वेंटी फाइव ग्राम सेम तो अगर आपको यूनिट्री मैथड पर ही रहना है तो आप रह सकते हैं क्योंकि ये मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यूनिट्री मैथड पर ही रहो बिकॉज मैक्सिमम जगहों पर उसने अप्लाई होना है इस तरह से सी वन वी वन है इज इक्वल्स टू सी टू वी टू है अगर इस वेट की जगह आपके पास वॉल्यूम हो तो आप उसके लिए सी वी वन इज इक्वल टू सी टू वी टू पर जाओगे लेकिन ये फॉर्मूलाज तब अप्लाई होंगे जब एटलीस्ट थ्री तीन चीजें गिवन हो एक फाइंड करनी हो तभी जाओगे ना चार चीज़ें जो है फॉर्मूला में नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है वॉल्यूम ऑफ फ्लू जेटिन ट्वेंटी एम जी पर फाइव एम एल लिक्विड रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू अ अटेबल वॉल्यूम ऑफ अप्रोप्रिएट डायलन टू अपटेन टू फिफ्टी एम एल फ्लू जेटिन लिक्विड ओके लेट्स मेक इट सिंपल आपके पास जो अवेलेबल फ्लू जेटिन है वो कितना है वो है ट्वेंटी एम पर फाइव एम जो बनाना है वो टू एम पर एम है कितना बनाना है टू फिफ्टी एम बनाना है ठीक है जी इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे अवेलेबल ये है प्रिपेयर इसको करना है सबसे पहले देख लेंगे कि एक्टिव कितना चाहिए टू फिफ्टी एम के लिए एक्टिव कितना चाहिए तो वन एम के लिए टू एम है तो टू फिफ्टी एम के लिए फाइव हंड्रेड चाहिए होगा और उसके बाद ये फाइव हंड्रेड एम अवेलेबल जो हमारे पास है उसमें कितना होगा उसके लिए फाइन कर लेंगे यानी हमारे पास जो अवेलेबल है ट्वेंटी एम पर फाइव एम ट्वेंटी एम जी पर फाइव एम एल वन एम जी के लिए फाइंड करेंगे और फिर चूंकि हमें फाइव हंड्रेड एम जी चाहिए तो फाइव हंड्रेड एम जी के लिए find कर लेंगे तो आएगा वन ट्वेंटी फाइव एम एल सो हमने क्या करना है हमारे पास जो अवेलेबल है उसका आप वन ट्वेंटी फाइव एम एल लेंगे और उसको डाइल्यूट कर देंगे टू फिफ्टी एम एल तो उसमें जो हमारे पास एक्टिव होगा वो फाइव हंड्रेड एम जी होगा और उसकी परसेंटेज कितनी होगी टू एम जी पर एम एल दिस इज हाउ यू डू बैक कैलकुलेशन एंड वेरीफाई के आपने सही किया या सही नहीं सही किया तो जाहिर अगर टू फिफ्टी एम एल में फाइव हंड्रेड एम जी है तो वो टू एम जी पर एम एल होगा ना सही हो गया अच्छा जी ये लास्ट हमारे पास एग्जांपल है नाइनटी एम एल और फोर पॉइंट फाइव परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एन ए सी एल सोल्यूशन है आपके पास उसको आपने ऐड किया है फाइव हंड्रेड एम एल पॉइंट नाइन परसेंट में आपने टोटल परसेंटेज फाइंड करनी है फाइनल की ठीक है तो बारी बारी दोनों की अमाउंट फाइंड कर लेंगे दोनों को ऐड कर देंगे परसेंटेज फाइंड कर लेंगे यानी नाइन्टी एम जो है वो प्रेजेंट है फोर वेट बाई वॉल्यूम में तो आप देख लोगे कि सबसे पहले हंड्रेड एम में फोर है तो नाइन्टी एम में कितना होगा फोर जिस तरह से यहाँ पर फाइंड किया हुआ है इसके बाद अगर 500 ml एम एल आपके पास तो वो है 0.9 नाइन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 500 ml 100 ml में 0.9 है 0.9 नाइन परसेंट का मतलब क्या है 100 ml में 0.9 नाइन ग्राम्स हैं वन एम के लिए फाइंड करोगे वन एम 1 वन एम के लिए फाइंड करने के बाद आप आ फाइव हंड्रेड एम पे फाइव हंड्रेड एम के लिए फाइंड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव या आपके पास आ गया नाइनटी एम में फोर पॉइंट जीरो फाइव है फाइव हंड्रेड एम में फोर पॉइंट फाइव है अब आपने क्या करना है आपने इन दोनों को ऐड कर देना है ऐड करके आपके पास आ जाएगा एट पॉइंट फाइव फाइव एट पॉइंट फाइव फाइव परसेंटेज निकालने का तरीका सिंपल ये है कि आप टोटल पे डिवाइड टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड जिस तरह से आप करते हो ट्रेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्रेड इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो एक्टिव है सोडियम क्लोराइड उसको आप डिवाइड कर दो टोटल से टोटल कहाँ से आया ये वाला नाइन्टी और ये वाला फाइव हंड्रेड तो क्योंकि दोनों को हमने मिक्स किया टोटल वॉल्यूम दोनों को एड करिए बनेगा ना तो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा हमारे पास फाइव नाइनटीटी उसको कर दो हंड तो हमारे पास परसन्टेज आएगी वन पॉइंट फोर फाइव परसेंट बेट बाई वॉल्यूम चाहिए जी सो तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दी हैं अब आपकी आ गई एक्टिविटी ये आप लोग स्क्रीन शूट्स लेते जाओ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो जो कि मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको दिया था या के पास सेकेंड है एक्टिविटी आपकी जिसको आपने सॉल्व करना है यहाँ पर वन पार्ट टू पार्ट और टू पार्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके पास टोटल वॉल्यूम फाइव हंड्रेड है ना तो उसका वन पार्ट कितना होगा हंड्रेड एम टू पार्ट कितना होगा टू हंड्रेड एम और टू पार्ट कितना होगा टू हंड्रेड एम ठीक है इस तरह से अगर हंड्रेड होगा तो आपके पास टू टू जो वाले पार्ट्स हैं नहीं। आपके पास कॉलेंटिकॉन और जेंटेक जो है वो होगा फोर्टी फोर्टी और जो मोडीलियम होगा वो होगा ट्वेंटी ठीक है तो इस तरह से वन टू टू पार्ट्स को आप करोगे थोड़ा सा ये है वन टू पार्ट आपको डिफरेंट लग रहा होगा बट मैंने आपको इसका मतलब बता दिया टिप दे दिया आपको आगे आसान हो जाएगा ये आपके पास क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ कोडिन लिंटस आपने फाइंड करना है दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन इसी तरह की हमने की भी है वाली ये बिल्कुल येटिन वाला क्वेश्चन है ये आपके पास है आप लोगों ने परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करनी है एस्ट्राइव इस की इसमें और इसके अलावा आपने अमाउंट फाइंड करनी है एस्ट्राइ ग्राम्स फॉर फिफ्टी टैबलेट्स स्टे यून फॉर द अपकमिंग ऑन कैलकुलेशन डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू